हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई के आए हुए लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें आप इंडिया में किसी भी सिटी या फिर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस बार हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज है जो रिलीज़ की गई हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन सी वैकेंसीज आउट की गई हैं, सारा हम स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, तभी जाके आपको पता चलेगा क्या रहने वाली है एलिजिबिलिटी, किस अपडेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी और अप्लाई कैसे करना, इवन सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। इससे आपको हर एक अपडेट टाइम पर मिलता रहेगा जब भी मैं कोई नया नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आऊँगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे एसबीआई की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि इसके लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है। आप इंडिया में किसी भी सिटी या फिर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मेल है, फीमेल है, दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें जॉब लोकेशन की, तो एसबीआई, आपको पता है जब भी वैकेंसीज आती है इसमें जॉब लोकेशन आपकी अक्रॉस इंडिया ही रहती है। आप जिस भी सिटी, डिस्ट्रिक्ट या टाउन के रहने वाले हैं, आपके वहीं पर इसके लिए जॉब लोकेशन रहने वाली है। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना, आपके लिए मैं हर एक अपडेट सबसे पहले लेकर आती हूँ हर एक क्वालिफिकेशन वाइज, तो आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। फिलहाल हम बात करें एसबीआई की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, जिसमें अगर सबसे पहले हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, कोई भी एप्लीकेशन की फ़ी आपको पे नहीं करनी है। और ये जो वैकेंसीज है, फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, मेल फीमेल दोनों के लिए। आप रिजर्व कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व कैंडिडेट है, मेल है फीमेल है दोनों, कोई फ़ी आपको पे नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, एग्ज़ाम आपका इसमें कोई भी नहीं होने वाला है। सिलेक्शन आपके किस बेसिस पे होने वाली है, इसमें आपके अलग अलग पोजीशन है जो मैं आपको बताऊंगी भी। एप्लीकेशन जैसे ही आपकी इनको रिसीव होंगी, उसके बाद आपके इसमें वॉक इन इंटरव्यू होगी, उसी के बेसिस पे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। और एसबीआई की जो वैकेंसीज रिलीज़ की गई है, इसमें पैकेज भी बहुत बढ़िया आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टार्टिंग आपका 20,000 रहेगा। लास्ट पैकेज की बात करें, वो अलग अलग पोस्ट वाइज वेरी करता है। किसी पोस्ट के लिए आपका 60K अराउंड होगा, किसी पोस्ट के लिए 80K अराउंड भी हो सकता है, वो अलग अलग पोस्ट वाइज रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है आज से ही। विद इन 30 डेज आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। अब नेक्स्ट इसके लिए बात आती है वैकेंसीज कौन कौन सी आउट की गई हैं और अप्लाई किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हर एक क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसीज है जो आउट की गई है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आते हैं हम बैंक एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उसकी तैयारी हम कहाँ से करें, तो यहाँ पर अन अकेडमी की तरफ से स्पेशल बैचेज स्टार्ट हो चुकी हैं। अन अकेडमी बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको टीचर मिल जाते हैं, तो इनके स्पेशल बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ पर अगर आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तानिया TNYA। इसी के साथ आपको बहुत सारे अलग बेनिफिट भी मिल रहे हैं। एक तो आप एजुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, और एक आपको यहाँ पर स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप कहीं भी प्रेपरेशन करते हैं, स्टडी नोट्स आपको नहीं प्रोवाइड किए जाते, तो यहाँ पर आपको किए जाते हैं। जल्दी से जाकर आप इसके लिए एनरोल करना, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इवन अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स के अदर एग्ज़ाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं, तब भी आप ज़रूर से इसके लिए एनरोल कर लेना। बाकी हर अल्टरनेट संडे का बैंक कॉम्बैट रहता है मॉर्निंग में 10 बजे, जहाँ पर आप एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं, चेक करके ज़रूर एनरोल कर लेना। अभी हम बात करें एसबीआई की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। अगर इसमें पोजीशन की बात करें, काफ़ी टाइप की वैकेंसीज है। सबसे फर्स्ट पोस्ट जो आउट की गई है एग्जीक्यूटिव की है, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करें असिस्टेंट की है, नेक्स्ट है सीनियर एग्जीक्यूटिव वैल्यू सर्विसेज के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं, उसके बाद असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसीज भी आउट की गई हैं, एसोसिएट के लिए वैकेंसीज है, एसोसिएट KYC के लिए वैकेंसीज भी आउट की गई हैं, कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं, उसके बाद मैनेजर के लिए हैं, ऑडिट मैनेजर के लिए आउट हुई हैं, डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट की हैं, सीनियर मैनेजर की हैं, असिस्टेंट मैनेजर सेल्स के लिए हैं, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए है, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए हैं, सीनियर मैनेजर मोबाइल ऐप के लिए वैकेंसीज हैं,
एग्जीक्यूटिव आईटी सर्विसेज के लिए वैकेंसीज भी हैं। इसके बाद बात करें एग्जीक्यूटिव की ऑनबोर्डिंग के लिए वैकेंसीज अलग से आउट की गई है, मैनेजर की है, सीनियर एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट के लिए अलग वैकेंसीज आउट की गई हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है जिसमें इंसिडेंट एनालिस्ट की है, असिस्टेंट मैनेजर की है। इसके अलावा मैनेजर की वैकेंसीज अलग अलग डिसिप्लिन वाइज भी यहाँ पर आउट की गई हैं, वो आप चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंगली। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, इसके मैनेजर की फैसिलिटी पीएमओ के लिए वैकेंसीज भी आउट की गई हैं। एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विसेज के साथ साथ आईटी के लिए आउट की गई हैं। काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आपको, अगर नेक्स्ट पोजीशन की बात करें, एरिया सेल्स टेलीकॉलिंग की वैकेंसीज हैं, इसमें असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज भी आउट की गई हैं। जॉब प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है, डिपार्टमेंट इन्होंने आगे आगे डिवाइड कर रखे हैं। अपने अकॉर्डिंगली आपको चेक ज़रूर करना है कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सी लोकेशन है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हर एक लोकेशन के लिए आपको यहाँ वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। अब इसके लिए बात आती है अप्लाई कैसे करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पहला लिंक SBI रिक्रूटमेंट का ही दिया है, आप उस पर करेंगे क्लिक करके एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। लास्ट में आप देख पाएंगे रिक्वायर्ड लिंक, पहला लिंक नोटिफिकेशन का, सेकंड देख पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन का। दोनों में किसी भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे, यही वाला पेज आपके सामने ओपन होने वाला है। काफ़ी टाइप की वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। अभी मैंने जो आपको वैकेंसीज बताई है 10 से 12 टाइप की बताई है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी वैकेंसीज है जो आप में से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं जिनके लिए। तो यहाँ पर जब आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, ये सारी वैकेंसीज को आप चेक कर सकते हैं अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंगली, इवन अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। बात तो ये आती है कि अप्लाई कैसे करना है। सो मान लीजिए आप फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, फ़ी कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके अप्लाई करना है। जो डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है, जैसे आपका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपका क्या है, ईमेल आईडी, अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन उनको रिसीव होंगी, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए इसके लिए बुलाया जाएगा। ये सारी के सारी जो वैकेंसीज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड की तरफ से आउट की गई है, मीन्स SBI कार्ड की तरफ से, जहाँ पर कोई एज की बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसका लिंक दे दिया है, बाकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया है, अलग अलग पोस्ट वाइज है, अपने अकॉर्डिंगली आपको चेक करके ही इसके लिए अप्लाई कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको इसे रिक्रूटमेंट का मिलेगा, सेकेंड हमारी वेबसाइट का, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अदर वैकेंसीज के लिए भी वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से आप चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट।